आज मैं मौजूद हूँ पताया के अंदर। वैसे तो पताया को गुनाहों का शहर भी कहते हैं, यानी सिटी ऑफ सिन, लेकिन यहाँ पे फैमिली वाली जगह ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। कुछ मखसूस जगह है जहाँ आज हम चलेंगे। अबे मिनी से हम आए थे क्योंकि हम फैमिली वाले लोग हैं, जो जगहें पताया में घूमने वाली हैं वो हम जा सकते नहीं हैं, तो हम ऐसी जगह जगह जाएंगे जहाँ पे फैमिली जा सके। तो मिनी सियाम एक जगह है जहाँ पे आप जाओ, जहाँ पे इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। तो बच्चे बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, आप भी बच्चे बन जाओ और आप भी इंजॉय कर लो। पीछे देख रहे हो, जैसे कि मलायन है, सिंगापुर में होता है। जब मैं सिंगापुर गया था आप लोगों को दिखाया था, याद नहीं आ रहा? अबे यार इतनी जल्दी भूल गए, चलो क्लिप देख लो याद आ जाएगा। वाटरफॉल भी यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने, और ये गुफा की बनाई भी इन्होंने खतरनाक किस्म की। क्या आप आए आप पिक्चर चेक जाए बताया था, यानी दो नंबर के अलावा ये था भी है, बस दो नंबर तो खत्म है शहर के ऊपर। हाँ ऐसी बात है, हर चीज़ मिनी है तो एयरपोर्ट में नहीं होगा, तो मिनी एयरपोर्ट की फ्लाइट जो है अभी हम देंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर कराची के लिए। मुझे अपनी फ्लाइट का तो पता नहीं, लेकिन ड्रोन की फ्लाइट तो यहाँ बनती है। श्याम घूमने के बाद नेक्स्ट डे हम निकल पड़े लूंग बीच के लिए। हाँ भाई, आज जो हमने राइड ली है ना, ये यहाँ की लोकल टैक्सी है तो उसकी अनोखी सी राइड है। हम जो है ऐसा लगा है कि सदर के अंदर घूम रहे हैं, चिंची के अंदर, चिंची टाइप वाली फीलिंग आ रही है उसके अंदर। चिंची से बस के अंदर आ गए, हमारे मुँह चिंची कहते हैं तो हम चिंची ही कहेंगे इसे। यही है कि चिंची से ड्रॉप करने के लिए थी बस तक, अब यहाँ से बस में जाएंगे टू लूंग बीच। लूंग बीच नाम जैसे मुश्किल है ना कि बस ना पूछ। आज साथ हम आ गए हैं बेसिकली ये पताया के बाजू में ही है, आई मीन पताया से थोड़ा बाहर है, बेसिकली सबर्ब्स में है ये नुंगनूच। अब ये पीछे नाश्ता ही बंद हो गया बेसिकली पिंजरे के अंदर, उन्होंने कहा अदियाला जेल ये है, गलत समझ गए थाईलैंड में आके बंद कर दिया। वैसे तो कुछ करने को खास नहीं है सिवाय ये तस्वीरें वहाँ खींचने के, और मैं एक बच्चे का बाप हूँ तो मुझे स्ट्रॉलर भी चलाना होता है, ये जिम्मेदारी भी मुझ पर आई है। सबसे बात है एक तो जिम्मेदार बाप हूँ। और मैं रास्ता भूल गया हूँ तो मैं ड्रोन आके ये चेक करूँगा कि मैं जाना किस तरफ है, ताकि जो है ना मैं, क्योंकि अब ये एक एडवांटेज हमारे पास है कि इतना बड़ा है ये कि इस तरह घूमना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मैं अब काम ये करूँ ड्रोन फ्लाई करूँ, चेक करूँ कि मुझे अब जाना किधर है। भाई रास्ता समझ नहीं आया तो हमने क्या किया, हम थोड़ा वॉक करके आए और हमने वैन कर ली यहाँ पे, जिसकी कॉस्ट अच्छी खासी है 120 बात पर पर्सन। लेकिन ये कि चलना बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने एक एक एक्टिविटी जो है वो डेढ़ से दो किलोमीटर दूर है, तो इतनी वॉक करेंगे तो एक्टिविटी में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेटर कि आप गाड़ी कर लो निकल लो। हाँ साद यहाँ पे बहुत सारे डांस हॉल है भाई, आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये सारी बड़ी बड़ी छुपकलियाँ हैं इसमें। डांस हॉल है बेसिकली, वो फिल्म थी ना सत्या, उसमें बोलते ना वो बड़ी छुपकली वाली मूवी। मैं इसको पिक्चर लेके गया था, वो कौन सी छिपकली वाली पिक्चर? छिपकली, हाँ छिपकली वाली पिक्चर, क्या नाम था उसका? हाँ जीजा माता पार्क नाम था उसका। जीजा माता पार्क अब तो पता नहीं कितनी आ गए जैसिक पार्क, कितने सारे पार्ट आ गए। अच्छा मैं सोच रहा था कि एक्चुअली होते तो अभी तो हम भागते फिर होते ये खैर होगी कोई बात नहीं, सारी मस्ती मजाक अपनी जगह, लेकिन ड्रोन शॉट्स तो यहाँ फिर भी बनते हैं ना यार, क्या कर सकते हैं।